और रेनकोट पहन के। ये है जी वो पत्ती। मुझे इसकी शक्ल अच्छी लगती है। And it is so soft। इस इडली सांबर को खा के ना स्वाद ही आ गया। और इतना मजा आया, रोया भाई मैं तो। मुझे आज रियलाइज हुआ कि बाइक वाले को साइड दे देनी चाहिए। आज बहुत दिनों के बाद बगीरा निकाल रहे हैं। आई होप कि जगह हो निकालने के लिए। हालत लोग सोच रहे होंगे भाई मंगलवार को सलोन में क्या कर रहा है, और रेनकोट पहन के। हल्की हल्की हो रही है बारिश, मौसम ने करवट बदल ली है, ठंड हो गई है बहुत ही जबरदस्त हो गई। ये देखो सब लगे हैं जैकेट्स पहन के घूम। क्या करवाने आए हैं हम लोग यहाँ पे? हम लोग नहीं, सिर्फ मैं, साथ में आप वर्चुअली। क्या देखने आए हो? गुड मॉर्निंग गाइस। हम आया जी चेयर ठीक करवाने। हमारी एक चेयर जो है उसकी नीचे से एक पत्ती टूट गई है, उस पत्ती को जरा जुड़वाने आए हैं। ये है जी वो पत्ती, ये पत्ती टूट गई है, ये यहाँ पे बेल्ट हो जाएगी, ये भी ठीक हो जाएगी। और अभी के लिए मेरे को लग रही ताबड़तड़ भूख, ताबड़तड़। पहले भाई से जरा ये काम करवा लेते हैं, फिर उसके बाद घर चलते हैं। आज ट्यूसडे है, आज अपन ने खाना ही खाना है, बस खाना ही। ये यहाँ खड़ी है हमारी बगीरा, और मौसम देखो आप क्या हो रखा आज। ओह, आप सोच रहे होंगे कि ये बंदा संजौली से वहाँ कैसे चला गया न्यू शिमला। मैं गया था जी, हमें किसी ने रेकमेंड किया था, एक साउथ इंडियन है जगह, ये क्या हुआ, एक साउथ इंडियन जगह है जहाँ से हमने इडली सांभर लाया है। किट्टी, और किट्टी ने तो आज मेरे ख्याल से क्या खाना है रात को। किट्टी को मैंने बहुत बार आवाजें मारी कि चल चल चल, मगर ये कहाँ चल रही थी, यहीं सो गई बेचारी। ये देखो यहीं सो गई। तो मेरे को 3 बजे जब मेरी आँख खुली ना, जब मैंने करवट बदली, तो मुझे कुछ ऐसे फ्लफी फ्लफी सा दिखा नहीं। वो तो मुझे तब पता चला कि किट्टी तो है ही नहीं यहाँ। वाओ, ये इडली तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रही है। इडली में तो टेस्ट होता ही नहीं वैसे, देखो सांभर लग रहा है मस्त। ये देखो कितनी फ्लफी फ्लफी, मजा ही आ जाएगा। मम्मी के लिए लेकर आएंगे जो आएंगे। मैं कह रहा हूँ ना, इस इडली सांभर को खा के ना स्वाद ही आ जाएगा। ये देखो आप गाइस, ओहो, और इतना यम्मी है ना ये, कि क्या ही बताऊं आपको। ठंडा ठंडा मौसम हो रखा, गरम गरम इडली सांभर, सोने पे सुहागा है ना। चटनी अच्छी, ऐसी चटनी मैंने पूरे यहाँ नहीं खाई शिमला में। वेरी नाइस, खा लो। देखिए मुझे इडली, मैंने कभी इडली नहीं खाई आज तक जिंदगी। मुझे इसकी शक्ल अच्छी नहीं लगती।
एंड इट इज सो सॉफ्ट। मुझे मिल गया वो एरिया जहाँ पर मैं जाके अपनी तृप्ति को खत्म कर सकता हूँ। बट उसका ये मतलब ये कि मैं पराठा। ओह माय गॉड। हाय गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर फ्रेज ऑफ हर टुडेज जर्नी। आज मैं और किट्टी मैडम जा रहे हैं मूवी देखने, वो भी बगीरा पे। पहले हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग सारा दिन रेस्ट करेंगे, सारा दिन रेस्ट करने का कोई तुक नहीं है, इसीलिए भी थॉट कि हम लोग चलते हैं मूवी देखने। कौन सी? अक्षय कुमार की मूवी है एंड बाइक बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रखी है, हालत हो रखी है इसकी ख़राब। बट यस, मज़ा आने वाला। वो है इलेक्ट्रिक, नाइस, आई लाइक इट। किटी मैडम बड़ी मुश्किल से तैयार होती है बाइक पे जाने के लिए। यार बारिश हो गई तो क्या करेंगे, कहाँ होगी बारिश, मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है। 3 बजे हैं, 3:40 का शो है। किटी मैडम को देख सकते हैं कैसे लग रहे हैं हेलमेट में। चलो बैठोगे साफ हो जाएगी। कपड़ा तो निकाल दिया किसी ने बाइक से, बाइक से निकाल दिया कपड़ा। कितने दिनों के बाद किट्टी बाइक पे बैठी है। हम लेंगे ना अभी राइडिंग पैंट्स, लेंगे पैंट्स भी लेंगे और जैकेट भी लेंगे। वाह, बहुत दिनों के बाद हम दोनों बाइक पे जा रहे हैं। ये हमारी जोटा सिंह खड़ी है यहाँ पे, पहुँच जाएंगे हम 1 घंटे में वहाँ। बाइक पे जा रहे हैं तो पहुँच ही। सुबह बारिश हो रही थी, अब धूप निकल गई। देखो आप मौसम, ओहो 10 दिन बाद मैंने बाइक, 10 दिन क्यों, जब से हम प्रेशर लेक से वापस आए हैं, एक तारीख के बाद मैंने आज सुबह बाइक चलाई है और 16 या 17 तारीख को 15-16 दिन के बाद बाइक चलाई है आज बगीरा। मज़ेदार हो गया सीन। चलो हम लक्कड़ बाजार होके भी जा सकते थे मगर वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग जाता है, आपके पास ना ऑप्शंस नहीं होते इधर उधर जाने के। यहाँ से अगर आप जाओगे तो आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। छोटा शिमला से आप न्यू जो बाईपास है उस तरफ को निकल सकते हो या फिर ओल्ड बस स्टैंड से ही जा सकते हो, डिपेंड करता है ट्रैफिक और टाइम कि उस टाइम क्या है। अगर स्कूल की छुट्टी होने वाली है फिर दिक्कत है। बिल्कुल भाई साहब जी का फ़ोन आ रहा है, ये देख अपने रास्ते हैं भाई। 4111 अच्छी बनाई हुई है बंदे ने यार, नाइस। कितनी यहाँ से पकड़ते हैं, पेट पकड़ के बैठती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ना वॉशिंग करा लेनी चाहिए भाई। चलो मूवी। ट्यूसडे का दिन होता है हमारे पास, ट्यूसडे के दिन ही हम लोग ऐसे घूमते हैं। या तो आप सारा दिन घर पे सोते हो, मंगलवार खाते रहते हो, या फिर आप बाहर घूमते हो एंजॉय करते हो। मोटर ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। ब्लैक कलर की आ गई भाई, बलिनो आ गई ब्लैक कलर में। वाह जी वाह, वाह जी वाह, जाम लग गया जी वाह, वाह जी वाह, जाम लग गया है वाह, पर हम नहीं रुकेंगे। हाओ वाह वाह, मज़ा आ रहा है ना, तभी बोलता हूँ तेरे को बाइक पे चला कर मेरे साथ, तेरे को आदत पड़ जा। बाल खराब हो जाते हैं इनके। ओके मज़ेदार है। सबसे मेन चीज़ तो ये है ना कि हमें ट्रैफिक जैम में रुकना नहीं पड़ता है, सबसे बढ़िया चीज़। और जो आज का मोटो ब्लॉगिंग हम कर रहे हैं उसमें हमने सेटअप में थोड़ा सा चेंज किया है। ये देखो वाह व्हाट अ स्टाइल, यहाँ पे कौन बिठाता भाई किसी को गाड़ी में, बिल्कुल मोड़ पे। हमने एक्सटेंडर पिन्स लगाई हैं ताकि जो व्यू पॉइंट है वो बिल्कुल सही आए और मेरी गर्दन में पेन ना हो, क्योंकि प्रेशर लेक जाते हुए तो भाई साहब प्रेशर लेक जाते हुए तो भाई साहब मैं ना गर्दन ऐसे करके चल रहा था, ऐसे देखा मैंने। बहुत से लोग बाय करते हैं, खुश था ये हमारे वो देख के ना गियर्स, हम लोग ऐसे हैं ना बिल्कुल सेट होके बैठे, क्या बोलते हैं उसको, अटायर में देख के बंदे खुश हो जाते हैं। आए बिना पैर लगाए मोड़ दी बंदे ने भाई, बिना पैर लगाए मोड़ दी मैंने मोटरसाइकिल। आए अंकल निकले खतरों के साइड से निकल के शू शू करते हुए, बंदे रह गए वहाँ बस के पीछे। गोलगप्पे खाएगी, दूध जलेबी के लिए जगह छोड़ी है। तेरे को दूध जलेबी खिलाऊंगा मैं आज,
चलो जी, चलो चलो। अभी थोड़ी देर पहले बोला मैंने कि हम जाम में नहीं फंसते, प्लीज़ मेरी बेइज्जती ना करवाएं। चलें चलें, चलते रहें, रुके ना, चलते रहें। मैं तो उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जिस दिन किट्टी हमें ये बोल दे कि मुकुल हम लेह लद्दाख जा रहे हैं। शिखा औरों के साथ तो स्पीति जाना है बुद्धू। वाओ, मौसम हो गया है बिल्कुल औसम, मस्त होकर। अगर शाम को बारिश पड़ी तो मुझे बहुत गालियाँ पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही गालियाँ पड़ जाएंगी। वाह 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 वाह, किटी मैडम को तो बड़ा ही मज़ा आ रहा होगा। बच्चे हम लोगों को ना वेव कर रहे हैं ये सोच के कि हम लोग लॉन्ग टर्म राइडर्स हैं, कि पता नहीं हम स्पीति से आए अभी, उन्हें क्या पता अभी हम ना बाहर से ही निकले हैं और शिमला ही जा रहे हैं मूवी देखने। अब मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो मोटो ब्लॉगिंग का जो कैमरे वाला सेटअप है ना वो बिल्कुल सेट हो गया है। ओ ये लेनी है अपन ने 4x4। इन गाड़ियों की ऑक्शन पता नहीं कब होगी। अरे भैया कर लो ओवरटेक, ट्रक वाले को ओवरटेक प्लीज़ कर लो, प्लीज़ प्लीज़। राजमा चावल भी तो बनवाए हमने आंटी हमें। ओ माय गॉड, किट्टी को मज़ा आ गया। किट्टी को आ गया मज़ा, आया मज़ा, देखा कैसे निकले हम शूशां करते हुए। देखो अब मौसम देखो, बाइक राइड के लिए सबसे बढ़िया मौसम है ठंडी ठंडी हवा। ओ ये क्या है भाई, एक इसने साइड व्यू मिरर ऊपर लगा रखे हैं और एक नीचे, ये देखो। वेरी नाइस। ये जो मेरे आगे गाड़ी चल रही है ना जी, इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देखी थी मैंने, उसमें बंदे ने पंच लगा के आगे सर लगा रखा था और आगे लास्ट में लगा रखा था जी, सर पंच जी। देखा फिर ऐसे निकलते हैं जाम में से। गाड़ी में आते तो हमारा सफ़र बहुत लंबा हो जाना था, फिर नहीं हम खा पाते दूध जलेबी। बाइक पे वही सफ़र कम हो जाता है क्योंकि आपको जाम नहीं मिलता है बिल्कुल भी। शाम को देखता हूँ अगर टाइम लगा तो सैडल बैग्स लगा के देखेंगे इन पे कि कैसे फिट करने होते हैं, क्योंकि कभी अगर जाना पड़ गया ना, वैसे संडे को राइड है, सोच रहा हूँ मैं सैडल बैग साथ लगा के लेके जाऊँगा। ये बस स्टैंड पहुंच गए। ना 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 ना। ओ भाई हमारे बिल्कुल पीछे पीछे एक बुलेट वाले भैया 350cc लेके आ रहे हैं। ये देखो ये भाई नहीं मान रहा, रेस लगा रहा हमसे। अभी मेरे पीछे ना किट्टी बैठी है, थोड़ी कच्ची जैसी है वो, नहीं तो क्लासिक 500। 350 नहीं है भाई, 500 है, मैं सोच रहा था 350 है। ये 500 का भाई ये मेरे को लग रहा है पुरानी बाइक है, उसको रिफर्बिश करवाया हुआ है। आवाज़ से तो ऐसा ही लग रहा है और इंजन भी इसका पुराना ही लग रहा है मेरे को। निकाल फटाफट, यस। तो देखो ओ, पत्थरों पे खड़ी कर रखी है। थोड़ा सा प्लान में हो गया है थोड़ा सा चेंज ऐसा कि हमने सोचा था कि हम पहुंच जाएंगे वहां पे, मगर बाइक का भी अपने को अंदाज़ा नहीं है ना, इस वजह से हमने वो आइडिया ही ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करके अब हम जा रहे हैं वापस। मुझे लेट मूवी में जाना पसंद नहीं है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ हम थोड़ा जल्दी पहुँच जाएंगे, खा लेंगे पॉपकॉर्न्स पॉपकॉर्न्स, क्योंकि हमें भूख लग रही है। हमें ब्रेकफास्ट ही किया हुआ है, इडली सांभर और किट्टी के लिए मैंने बनाए थे गार्लिक परांठे। प्रोग्राम में चेंज, हम जा रहे हैं वापस। वैसी रेस लगाने आ गए थे हम बुलेट वाले के साथ। हैप्पी नवरात्र गाइस, आ गया मज़ा, ऐसे ही होता है फिर पकड़ के बैठना पड़ता है। कैसे बनोगे तुम राइडर मेरे साथ, आपकी ले लद्दाख जाने की ट्रेनिंग हो रही है, अभी तो हम दोनों ही हैं, फिर हमारा सामान भी होगा। लो सर, देवियों और सज्जनों, हम लोग पहुंच गए हैं मूवी देखने के लिए, बाइक लगाने की जगह। चलो पहले किट्टी मैडम को उतारते हैं, उतरिए जी, वहाँ लगा दूँ सामने। भाजी अब ना आपको बस स्टैंड पे नेपाल जाने वाले यात्री ही दिखेंगे, मैक्सिमम सारे नेपाल जा रहे हैं सारे। चले हम भी घूम के। हाँ, हेलो। गलती हो गई आज बाइक लेकर आए, क्लॉक रूम में सामान रखना पड़ा, गाड़ी ठीक थी। मजा ही आ गया मूवी देख के, है ना। किट्टी ने तो फुल एंजॉय किया और मैं तो रोया भी भाई, रोना ही निकल गया मूवी देखते देखते। ऐसी उतरती है स्टैंड से, हाँ मूवी इतनी लाजवाब थी, मज़ा आ गया। एंड इट वॉज ट्रू स्टोरी कैप्सूल गिल।
माइंस के ऊपर मूवी थी, एक रियल टाइम इंसिडेंट हुआ था माइंस से रिलेटेड, कुछ माइनर्स ट्रैप हो गए थे अंदर, इंडिया की स्टोरी है। और के एस गिल सरदार जी जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन किया था, भाई अक्षय कुमार की एक्टिंग तो ना माइंड ब्लोइंग है, मैं नहीं छोड़ता उसकी कोई भी मूवी। और इतना मज़ा आया, रोया भाई मैं तो फुल मैं तो बहुत रोया भाई, एंड में तो रोना ही निकल गया मेरा, बहुत कंट्रोल किया मैंने बट नहीं हो पाया। और अभी के लिए मैं और उपासना जी किटी मैडम जा रहे हैं दूध और जलेबी खाने, आपको अब वहीं मिलते हैं, दूध और जलेबी खाते हैं। ओ देखो मारो मारी पड़ी हुई है यहाँ तेल के लिए, सबसे अजीबोगरीब पंप बनाया भाई है ना, अजीब सा है यहाँ पे, गाड़ी लगती नहीं एक बार में, फ्री लगता है इनसे। लो जी फिर मेहरू स्वीट्स पहुँच गए हम लोग, यहाँ पे दूध जलेबी का स्वाद लेंगे, वाह 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 मजा ही आ गया। तो किराए की तेरे को उतरना नहीं आता, उतरना नहीं आता तेरे को, हो हो पहली बार मिल रहे हम, इतना प्यार है आज भी जैसे कि बारिश तो नहीं बट ये अच्छा यहाँ तो नहीं हुई मम्मा बारिश। मैं कह रहा हूँ ना नींबू डालो, हट ही नहीं रही है, पीछे नाची जा रही है, पता है कि मैं बाइक मोड़ रहा हूँ। वाओ मजा ही आ गया, चलो शुक्र है होटल के बाहर बंदे तो खड़े होने शुरू हुए, बीच में तो बंदे होते ही नहीं थे यहाँ पे, जो भागते नहीं है पीछे, होटल 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 होटल, मैक्सिमम टूरिस्ट ने ना जम्मू कश्मीर श्रीनगर जाना शुरू कर दिया, मनाली भी नहीं जा रहे बंदे यार, पर इसको हिमाचल टूरिज्म को शिमला के बारे में कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा फिर उसके। ओ वाह बेटे वाह, करा लिया करो सर्विस, कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ दिया पूरा, शुक्र है मैंने हेलमेट पहन रखा नहीं तो हो गया था मेरा हाइड्रा फेशियल। ये देखो आए रहा, पीछे ही चलना पड़ता है इससे। मैंने तो ना बाहर की तरफ को मोड़ दी थी, फिर किट्टी मैडम ने बोल दिया संजौली जाना है सब्जी लेने, वाह वाह वाह, एक किट्टी का अंकल है ना एक फेवरेट जिससे सब्जी खरीदती है, उसके अलावा किसी और की सब्जी इसको पसंद ही नहीं आती। क्लोज कॉल कर गया, ये जो मेरी लिप रीडिंग वाली प्रॉब्लम है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त वाली प्रॉब्लम है किटी, अब क्या करूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड में घुसा दूँ, सॉरी राइट हैंड साइड में। लो जी फिर ये है किटी के फेवरेट अंकल, अंकल तो है नहीं पर अंकल की दुकान है। ओहो हम तो चले घर और जाके हम बैठेंगे हीटर के आगे, ठीक है जी, साथ में काटेंगे खीरा, बैठो आप आराम से मजे लो। ये भाई तब से यहीं खड़ा है, ओहो शाबाश बहुत बढ़िया, अरे ऊपर से जाओ जाखू होके, अरे एडी की जिप्सी यहाँ क्यों खड़ी है, अरे मम्मी गर्ल साइड से आ रहे हो भाई साहब, बहुत गर्ल साइड से आ रहे हो आप महाराज ना। मुझे आज रियलाइज़ हुआ कि बाइक वाले को साइड दे देनी चाहिए, बहुत कुछ सीखता है ना इंसान। आज मैंने यही सीखा कि अगर आपके पीछे कोई बाइक वाला या स्कूटर वाला है ना उसको साइड दे देनी चाहिए, हाँ जब अपने ऊपर बीतती है ना तभी सीखता है बंदा। कोट क्रिएटेड बाय उपासना, अब देखो कितना फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ मैं इस टाइम, नहीं होना चाहिए था मेरे को फ्रस्ट्रेट क्योंकि गाड़ी निकलने में टाइम लगता है ना। ये देखो अब फालतू में मेरी डिस्क ब्रेक ख़राब हो रही है, जय माता दी, वही जो हमसे पूछ रहे थे कि इज़ इट सेफ, बस लग गई ना ब्रेक, अब कहाँ जाऊँ मैं बता, ऐसे होता है किटी बंदे मानते नहीं, फिर ना गुस्सा आ जाता मेरे को।
ओए गाड़ी रिवर्स हो गई थी, गिट्टी रिवर्स हो गई थी गाड़ी, पता ही नहीं चला, मजा ही आ गया यार। अंकल के वहां से कोरियर उठा लियो मेरा, वो आया होगा क्रेडिट कार्ड ले। गिट्टी तेरे को यहाँ उतार दूँ तो आराम से उतर जाएगी।